बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एनल वार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस डिजीज में पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और इसकी कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को ये कंडीशन देखने में आती है, और लास्ट में मैं आपको एक होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके एनल वार्ट्स के कंडीशन में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बिना कहीं साइड इफेक्ट के जो है ना वो खुद को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल हूमी टेक में खुश आमदीद कहता हूं। एनल वार्ट्स, जिसे हम कोंडिलेमा एक्रोमिनेटा भी कहते हैं, ये दरअसल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को एनल वाले रीजन के इर्द गिर्द एक वार्ट्स की जो है ना अपीयरेंस जो है ना वो नमदार होती है। मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। इसमें दोस्तों, जो फीमेल होती है उसको वजाइना रीजन के इर्द गिर्द वजाइना के पास जो है ना एक वार्ट्स की कंडीशन जो है ना वो वार्ट्स की जो है ना अपीयरेंस जो है ना वो देखने में आती है, और मेल में जो पीनस होता है उसके ऊपर या फिर जो एनल वाला रीजन पे होता है उसके इर्द गिर्द या फिर उसके पास जो है ना एक वार्ट्स की अपीयरेंस जो है ना वो शो होती है। दोस्तों, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये गुच्छों की सूरत में भी जो है ना वो हो सकते हैं, और ये बड़े भी हो सकते हैं और ये छोटे भी हो सकते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही वर्स होती है और बहुत ही जो है ना एक पेनफुल कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। सबसे पहले मैं आपको काज बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एनल वाले रीजन पे वार्स जो है ना, या फीमेल को जो वजाइना रीजन या थाई वाले रीजन पे जो है ना एक वार्स जो है ना उसकी अपीयरेंस जो ना वो देखने में आती है। दरअसल दोस्तों, ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से ये जो वार्ट्स होते हैं ये पेशेंट को उनके जिस्म में जो है ना वो ये कंडीशन जो है ना वो स्प्रेड करती है और ये वार्ट्स जो है ना वो नमदार होते हैं। दोस्तों, ऐसे इंसान जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ना उससे इन्फेक्टेड होंगे, और जब उस इंसान की सिक्रीशन या उस इंसान से कोई कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो उस इंसान से ये वायरस जो है ना वो दूसरे इंसान में जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी फीमेल्स जो कि एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर हो सकती हैं तो उनमें भी ये कंडीशन जो है ना दिख जा सकती है, या फिर मेल में अगर वो सेक्स करते हैं तो वो प्रोटेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल ना करें तो उस वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो दिख जा सकती है मेल्स में, या फिर ये जो कंडीशन है ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के रास्ते जो है ना वो बहुत आसानी से स्प्रेड करती है एक इंसान से दूसरे इंसान के रास्ते में, या फिर ऐसे इंसान जो ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस जो है ना वो रखते हो तो उस इंसान की सिक्रीशन के जरिए ये वायरस जो है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। ऐसे मेल जो कि एनल इंटरकोर्स की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो मेल में दिख जा सकती है। तो दोस्तों, फीमेल में जो इसकी लोकेशन होती है वार्स की, वो अमूमन वजाइना के आसपास और उसके साथ जो वुल्वा होता है या सर्वेक्स वाला एरिया होता है इसके इर्द गिर्द या इसके बीच में जो है ना ये वार्स की जो अपीयरेंस होती है वो नमदार होती है, और मेल में जो इसकी अपीयरेंस होती है वार्स की वो अमूमन एनस के इर्द गिर्द के आसपास या फिर पीनस के ऊपर टॉप पे, या फिर जो थाई वाला रीजन है और ग्रोइन रीजन है इस पे ये जो वार्स की अपीयरेंस होती है वो नमदार होती है। ये दोस्तों सिंगल भी हो सकती है और ये गुच्छों के सूट में भी हो सकती है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो ये एक एनल वार्स होते हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस जो है ना उससे इन्फेक्टेड इंसान के कंटेक्ट में आने की वजह से जो है ना एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है ना वो शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे इंसान जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस जो है ना वो इन्फेक्टेड इंसान जो रखता हो उसकी सिक्रीशन से ये मर्ज बहुत जल्दी से फैलता है, और जो ऐसे फीमेल जो कि बहुत ज्यादा सेक्स पार्टनर रखती हूँ, उससे ज्यादा सेक्स पार्टनर रखती हूँ, या मेल जो कि एनल सेक्स की वजह से ये जो है ना कंडीशन देखने में आती है। दोस्तों, इसके जो साइन सिम्टम है इसमें जो बहुत ही ज्यादा जो एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करता है या फिर स्टूल पास आउट करता है, और पेशेंट हल्का सा भी टच लगने से जो है ना इसमें बहुत जल्दी से आसानी से जो ना ब्लीड होने की टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा सोनस, पेन और रेडनेस जो है ना वो कंडीशन देखने में आती है, और उसके साथ पेशेंट को जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करता है तो उसको एक अनकंफर्टेबल अनइजीनेस जो एनल वाले रीजन पे जो है ना वो देखी जाती है, और मेल जो है ना वो यूरिन पास आउट करती है तो उसको यूरिन में एक बर्निंग जलन और उसके साथ एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, और उसके साथ जो है ना फीमेल को पेनफुल इंटरकोर्स की कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती है। तो दोस्तों, दरअसल ये एक ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस जो है ना उसकी वजह से इन्फेक्टेड इंसान में ये कंडीशन जो है ना बहुत जल्दी से
देखने में आ सकती है। वार्स होते हैं ये अमूमन गुच्छों की सूरत में जो है ना वो मोस्टली ज्यादा पाए जाते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है वो गुच्छों की सूरत में जो है ना वो ज्यादा देखे जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि एनल वार्स कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो पेशेंट को क्योर करती है, और ऐसे पेशेंट जो कि ह्यूमन पैपिलोम वायरस जो है ना उससे इन्फेक्टेड हो और उसकी वजह से ये कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को डेवलप हो गई हो और जो वार्स है उसकी अपीयरेंस जो है ना वो शो होती हो, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा जो कि वार्स के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो ऐसे वार्स जो बहुत ज्यादा जो है ना वो सोनस रखती हूँ जब उनको टच करती हूँ, यानी बहुत ज्यादा हसास वार्स हो, जब भी पेशेंट उनको हाथ लगाए तो उसमें एक दर्द जो है ना उसका सिम्टम देखने में आए, उसके साथ ही पेशेंट को एक जलन का, बर्निंग का और शूटिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और खासतौर पर फीमेल को यूरिन के दौरान जो है ना एक बर्निंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ऐसी फीमेल जिनको जो है ना वुल्वा या वजाइना के पास जो है ना एक वार्स जो है ना वो अपीयर हो और उसको यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन और पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन थूजा बहुत ही अच्छा मदद करती है। जो एनल वार्स की सेकंड मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ। दोस्तों नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छा जो है ना वो वार्स के केस में अपना असर करती है, ऐसे वार्स जो बहुत ही हल्का सा टच करने से भी उसमें ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है, और जो वार्स होते हैं या तो ओवर द एनस हो या फिर जो है ना एनल के ऊपर जो है ना वार्स हो, और ऐसे वार्स बहुत ज्यादा एक बर्निंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उसमें एक खारिश जो है ना इचिंग जो है ना वो भी देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा मदद करती है नेट्रम सल्फ। उसकी जो थर्ड मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। ये दोस्तों नाइट्रिक एसिड भी एनल वार्स की बहुत ही अहम मेडिसिन है, अगर वार्स आपके जो एनल वाले रीजन पे हो और जेनिटल वार्स हो या फिर थाई वाले रीजन पे जो वार्स हो, और ऐसे वार्स जो है ना उनको थोड़ा सा भी टच करने से जो है ना उसको धोने से जो है ना उनमें से खून निकलता हो, ब्लड निकलता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना नाइट्रिक एसिड ये एनल वार्स के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों जो एनल वार्स होते हैं ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है पेशेंट की, जिसको एनएस वाले रीजन पे जो है ना एक वार्स नंबर होते हैं, और वार्स जो है ना ये दरअसल ह्यूमन पैपिलोम वायरस जो है ना उससे इन्फेक्टेड इंसान से जो है ना वो दूसरे इंसान में शिफ्ट होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा बर्निंग, जलन, पेन और हल्का सा भी हाथ लगाने से जो है इसमें हसासियत और ब्लीडिंग सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये एनल वार्स की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।